Hey!

रुकावट के बिना किसी के अपने वीडियोस देख सकते हैं ताकि आप रॉक करो अपने एग्जाम्स में साथ अगर आप और और जैसे वेग साथ ही एग्जाम की प्रेपरेशन भी फ्री और आप कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से ऑल्सो अगर किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो हिंदी मीडियम को बिलोंग करता है तो उनसे शेयर करो कि ब्रेन का एक नया चैनल है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो भी उनका कोर्स है उसे कंप्लीट कराया जाता है अगेन ब्यूटीफुली एंड फ्री ऑफ कॉस्ट सो दिस इज हाउ यू शुड डेफिनेटली शेयर अबाउट इट विथ एज मेनी स्टूडेंट्स एज यू कैन एंड नाउ वी कैन बिगिन विद द डिस्कशन ऑफ टूडेज टॉपिक व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी?

अभी आपको बस आइडेंटिफाई करना है व्हाट टाइप ऑफ अ सेंटेंस इट इज जब भी रिपोर्टेड स्पीच पढ़ोगे किस तरीके का सेंटेंस है वो आपको समझना है सो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क ठीक है इंटेरोगेटिव कौन सा वाला इंटेरोगेटिव डब्ल्यू वाला सो वी नीड टू कीप इन माइंड सर्टेन थिंग्स जब भी डब्ल्यू वाला क्वेश्चन आएगा क्या करेंगे हम सबसे पहली बात जो भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसे आज या इंक्वायर्ड में चेंज कर देंगे बट वॉट अगर कभी कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिसमें आर्ज और इंक्वायर्ड नहीं दिया है टोल्ड दिया है बट बाकी सारी चीजें जो है वो बहुत अप्रोप्रिएटली चेंजेस किए गए हैं और उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जो सही है तो क्या हम जा सकते हैं टोल्ड के साथ ये yes, वो मजबूरी है देन यू कैन गो विद इट बट सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा यू शुड चूज आर्ड या इंक्वायर्ड एंड ऑल्सो बाकी सारे चेंजेस जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होने चाहिए सो so, सबसे पहली बात तो यही इसको आर्ज या इंक्वायर कर सकते हो या फिर अगर नहीं दिया है तो टोल्ड के साथ चले जाना फिर उसके बाद आप वाई जो वर्ड है वो जरूर प्लेस करोगे यानी जिस भी ऑप्शन में वाई वर्ड नहीं है प्लीज रिमूव इट उसके अलावा जो आप वर्ड इफ या वेदर की बात करते हैं दिस इज समथिंग जो यस नो क्वेश्चंस में आता है तो यहां नहीं होगा यानी आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं जो आप दिमाग में रख के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो इसके अलावा एक और चीज है टुडे है तो ये दैट डे बन जाएगा सी दी ऑप्शन जहां पर सारी चीजें दी हुई है आपको दिया हुआ है टोल्ड और फिर इफ दे दिया बाबा इफ तो आएगा ही नहीं जस्ट रिमूव इट है ना तो ये गया दिया दिया है वेदर दिया रहे, वेदर आएगा ही नहीं वाएट, वाएट दिया हुआ है दैट वाई दिया हुआ है दाडे दिया है ऑल राइट अब इन दो ऑप्शन में से आपको बाकी चीजें सपोज प्रोनाउंस को डिस्कस कर लेते हैं प्रोनाउंस में यू हैव टू रिमेंबर वन रूल एस ओ एन एक ही बार बताऊंगी फिर हम आखिर के क्वेश्चन में सेम इसको फॉलो करते जाएंगे एस ओ एन में एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन स्टैंड फॉर नो चेंज कोई चेंज नहीं करने का ठीक है एंड एस इज पहला तो दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड यानी कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो दिया है उसमें अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसको सब्जेक्ट यानी कि जो रिपोर्टिंग क्लॉज है उसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना अगर ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन है अगर रिपोर्टेड स्पीच तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना और अगर थर्ड पर्सन है यहां पर कुछ भी तो उसको एज इट इज रखना जैसे यहां पर यू दिया है यू क्या है सेकेंड पर्सन सेकेंड पे क्या आता है ओ यानी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है सपना सपना से बोला है तो सपना ऑब्जेक्ट है यानी यहां पर क्या आ जाएगा शी सो so, अब देख लेते हैं यहां पर शी कहा नहीं दिया है भाई घर पे भी दिया है सो दिस इज ऑल्सो राइट यानी अब बचता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो डिसाइड करेगा कौन सा आंसर सही है वो है आपका टेंस तो दिस इज यू आर साउंडिंग करेक्ट नॉर्मली इट इज यू आर साउंडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट हमेशा बस पास बन जाता है बाकी कंटिन्यूस रहेगा सो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दो दैट इज साउंडिंग तो वही रहेगा आर वॉज हो जाना चाहिए इट इज आंसर नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी यानी आपका आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा आई होप आपको क्लियर हो गया है कि अगर एक बार रूल्स दिमाग में बैठ गए रिपोर्टेड स्पीच इज वेरी वेरी इजी टू क्रैक क्लियर ऑलराइट चलो सेकंड क्वेश्चन हर्षिल आज मी व्हाट टाइम विल द ट्रेन डिपार्ट टुमारो अगेन यू गेट अ क्वेश्चन

सो दिस इज गोइंग टू बी कौन सा वाला आंसर अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखा यू ऑलरेडी नो दिस शुड बी ऑप्शन नंबर डी क्यों क्योंकि मैंने आपको डब्ल्यू में क्या बताया था यू विल शिफ्ट सब्जेक्ट बिफोर दी वर्क विल बाद में आएगा सो द ट्रेन वुड डिपार्ट द नेक्स्ट डे बिकॉज जब भी आप प्रश्न बनाते हो जैसे हम में पढ़ चुके हैं क्वेश्चन फॉर्म करते वक्त यू शिफ्ट हेल्पिंग वर्ब ए बिगिनिंग में बट बिकॉज अभी आपको क्वेश्चन को हटाने का है यू आर नॉट आस्किंग यू आर टेलिंग समबडी वॉट समवन वन राइट right? सो so, उसको आप प्रश्न नहीं बनाओगी तो क्या करोगे नॉर्मल थर्ड क्वेश्चन पे अजय सर ही टू लंडन इज इंटेड अजय ने बोला कि वो लंडन जा रहा है क्या वो नहीं जा रहा है यानी अजय यहां पर कंफर्म कर रहा है, है ना कि मुझे लगा मतलब मैंने सुना है कि वो जा रहा है बट क्या वो नहीं जा रहा है ऐसा सो अजय यहां पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बट दिस इज समथिंग जो कि डब्ल्यू एच नहीं है सो लेट्स जस्ट रीड यहां पर आप ये ध्यान में रख सकते हो कि इज गोइंग शुड बी वॉज गोइंग सबसे पहली चीज तो उस पर एटलीस्ट हम थोड़ा एलिमिनेट कर देते हैं सो so, वेंट हटा दो हैड गॉन हटा दो ना अजय कन्फर्म इफ ही वॉज गोइंग टू लंडन और नॉट क्योंकि देखो यहां पर ही है ही क्या है थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन मतलब एंड मतलब नो no चेंज तो ही ही, ही रहने वाला है Ajay asked if he was going to London or not. Ajay said. Now, what is more appropriate? Ajay confirm कर रहे हैं right? So Ajay confirmed if. Also यहाँ पे that लगा दिया है we don't use that question yes no वाले में हम if और whether use करते हैं So इस तरीके से आपका answer हो जाता है option number गेट so, कंफ्यूज क्या गया, इद, ये सब इट जस्ट दैट इजेंटेड इज हेल्पिंग यू टू आइडेंटिफायन साब यूज करेंगे कॉन ही इज गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज टू पास कंटिन्यूस वॉज गोइंग टू लंडन इजेंट हेड को बोल दोगे और नॉट इजी ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संजय सर हाउ वेल ही एक्स एक्सक्लोमेटरी

सबसे पहली बात हाउ मत यूज करना बिकॉज़ इंटरजेक्शन आप हटा के फेंक देते हो सो so यहाँ पे आए नहीं है आओ तो अगेन ही कोई चीज नहीं है यानी अब हमें सारे ऑप्शन को करना पड़ेगा थोड़ा एनालाइज सो संजय एक्सक्लेम दैट ही एक्टेड वेरी वेल संजय एक्सक्लेम दैट ही एक्ट वेरी वेल संजय एक्सक्लेम दैट ही वॉज एक्टिंग वेरी वेल ये जो है हाउ वेल ही एक्ट इसको इन्होंने कर दिया है यहां पर प्रेजेंट में चेंज यहां कर दिया है कंटिन्यूस में चेंज या कंटिन्यूस है ही नहीं तो हटा दो पहली बात दूसरी बात यहां पर रखा इन्होंने एक्टेड यानी कि पास्ट फॉर्म बट यहां इन्होंने रखा है एक्सक्लेम्ड यहां रखा है बिना एक्सक्लेम्ड सो वट इज करेक्ट ये यू आर राइट अगर समझ आ गया तो कि एक्सक्लेम्ड वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा बिकॉज ऑब्वियसली एक्सक्लेमेटरी है साथ ही साथ दिस इज प्रेजेंट तो प्रेजेंट प्रेजेंट तो रहेगा नहीं इट वुड चेंज टू पास एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट में भी चेंज नहीं होगा सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो संजय एक्सक्लेम वेरी क्लियर चलिए नेक्स्ट है दर्शन सेट टू मी प्लीज विजिट माई स्टूडियो दर्शन ने मुझसे कहा था भैया मेरे स्टूडियो में कल आना अगले दिन आना सो टो द नेक्स्ट डे देख लो कहा नहीं दिया है ऑप्शन सी में द प्रीवियस इज येस्ट जो निकल चुका दर्शन सेट टू मी प्लीज विजिट माई स्टूडियो अभी माय है फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है दर्शन माय वुड बिकम हिज उसका है ना तो यहां पर हिज देख लो कहा नहीं दिया है भाई हर जगह दिया हुआ है अगेन दिस इज नॉट हेल्पिंग अब हमें प्लीज वर्ड देखना है कहीं प्लीज तो रिपीट नहीं हो रहा बिकॉज प्लीज हटा के हम रिक्वेस्टेड कह है देते हैं सो so, प्लीज भी नहीं दिख रहा है अगेन ये हेल्पफुल नहीं है यानी वी नीड टू रीड द ऑप्शन दर्शन रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हिज स्टूडियो द नेक्स्ट डे परफेक्ट टू भी यूज किया है टू ही तो यूज करते हैं और हम टेंस चेंज नहीं करते हैं

वर्क आउट देर तो फिर आपको पूरे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे क्लियर ऑल राइट चलो सिक्स क्वेश्चन प्लीज टेक मी टू द सेट मीट दादर भाई दादाजी ने कहा है कि प्लीज मुझे मंदिर ले चलो अगेन ग्रैंड फादर टोल्ड हिम हिम ऑल राइट टू टेक दम अरे बाबा दैम थोड़ी है ग्रैंड फादर को लेके जाना है टेक मी है ना मी क्या है फर्स्ट फर्स्ट यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी ग्रैंड फादर यानी कि हिम करेक्ट तो यहां पर ये देम नहीं आएगा मी भी नहीं आएगा हिम आएगा अरे वाह दो ऑप्शन से द ग्रैंड टू द ग्रैंड फादर रिक्वेस्टेड देम टेक हिम नहीं रिक्वेस्टेड है तो टू तो पहले आएगा तो यहाँ टू है ही नहीं तो आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी द ग्रैंड फादर रिक्वेस्टेड यानी यहां पर बहुत सारे लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट किया है जो हमें नहीं बताया सो दैट इज हाउ आपको ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है सो द ग्रैंड फादर रिक्वेस्टेड टू टेक हिम

वगैरह सब कुछ नहीं सो so, ही या शी होगा डिपेंडिंग ऑप्शन में क्या दिया हुआ डोंट वर्क प्रॉपरली आई विल आई कॉन है द बॉस तो ही विल या अगेन शी विल यू अगेन क्या होगा ही या शी सॉरी हिम या हर यहां पर है ना क्लियर अब यहां पर देख लेता है द बॉस वॉन्ट द एम्प्लॉई दैट ही वुड डिसमिस हिम इफ ही डिड नॉट वर्कड प्रॉपरली एक सेकेंड I will dismiss you. So he would dismiss him. ठीक है मतलब यहाँ सब में him दिया है So this is not her, this is not she, and this is also not she. ठीक है ये ही रहने वाला है Next यहाँ पे फिर से check कर लो यहाँ पर और कोई चीजें हैं क्या he, him, he. देख लेते हैं सही चल रहा है यहाँ पर देखो ये वाला है he would dismiss him. अच्छा इसको ना यहाँ पहले shift कर दिया इन लोगों ने कोई इशू नहीं है Then उसके बाद यहां पर बात कर रहे हैं he, him, he. Again again you you have he, him, he, and again you have he him, and have he. हैव ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी कोई मदद नहीं हो रही है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं तो अब हमको सारे टेंसेज वगैरह चेक करने पड़ेंगे सबसे पहली बात हमने यहाँ क्या बोला didn't वर्क भाई डिड नॉट के साथ हमेशा विवन आता है तो ये खुद में ही गलत है तो बाकी तो चेक ही नहीं करना हटा दो यहाँ अगर वर्क होता तो हम एक बार ध्यान देते हटाओ इसे फिर दिया हुआ है द बॉस वॉन्ट द एम्प्लॉय वॉन्ट द एम्प्लॉय दैट

अब यहां पर एक बस छोटा सा पॉइंट है जो अगर आप ध्यान से पहले ही आइडेंटिफाई कर लो तो एक और ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं और वो ये है कि मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि जब भी भी नेगेटिव होता है कोई भी सेंटेंस हम डू डज यूज नहीं करके हम डिड यूज करते हैं सो so यहां पर डू दिया हुआ है आप इधर पर डिड का इस्तेमाल करने वाले हो दैट मीन्स ये डज नॉट गलत है राइट अब डिड नॉट वर्क प्रॉपरली सेम है अभी क्या डिफरेंस है दोनों में सी

कब एक कंडीशन है ये वाला इफ 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 है है ये क्वेश्चन वाला इफ नहीं ही राइट डू नॉट का डिड नॉट वर्क प्रॉपरली ग्रेट तो आपका आंसर चाहिए इंपेरेटिव so, yes, है ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया तो फिर क्या करोगे करेक्ट तो कभी कभी आपको रिपोर्टेड स्पीच में कई डिफरेंट सेंटेंसेस कन्वर्जन भी देखने को मिल सकते हैं

और यहां भी नहीं किया अब सिर्फ ऑप्शन नंबर कौन-कौनसा है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है जिसमें आपको अरे बहुत आसान है हर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज तो हर ही रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी आंसर दैट्स इट क्योंकि इंपेरेटिव में हम टेंस चेंज करते ही नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है क्लियर <laughs> ऑल right, चलो नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन

है ना व्हीकल फॉर द ट्रिप सो देख लो वुड और हर कहा दिया है यहाँ विल दिया है हटा दो यहाँ नहीं है वुड हटा दो वुड हर वुड देर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देखा इतना भी नहीं करना पड़ा कि पूरा पढ़े बैठ के तो बस कुछ चीजें आइडेंटिफाई करते जाओ और यही इंटरमीडिएट लेवल का मतलब है कि आप जान गए हो बिगनर में हर एक चीज को हम वर्ड टू वर्ड क्लियर कर रहे थे बट अब आप एक स्टेप बढ़ चुके हो तो इंटरमीडिएट में right, oh, 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 so तुमसे शादी नहीं कर सकता बट अगले महीने देखता हूं शादी करने का सोचेंगे क्लियर तो यहाँ पर राज जो है वो सिमरन से कुछ कह रहे हैं आपको बस वही कन्वर्ट करना है एज ए लाइक इनडायरेक्ट आप किसी को बताओगे कि तुमने सुना राज ने शादी के लिए मना कर दिया ठीक है right, चलो राज सेट टू सिमरन दैट आय क्या है बाबा आय है आपका फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी ही कैन नॉट का क्या हो जाता है कैन का क्या हो जाता है कुड तो कैन नॉट क्या हो जाएगा कुड नॉट है ना तो कुड नॉट कुड आना चाहिए यू क्या है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है सिमरन हर नॉ नाउ बट आय फर्स्ट पर्सन अगेन ही शैल क्या हो जाना चाहिए शुड या फिर वुड ठीक है क्योंकि शुड अच्छा नहीं लगेगा वैसे लेट्स सी पर क्या दिया हुआ है आपको वुड देना चाहिए एज बिल्कुल आई गेस क्योंकि शुड शुड ही 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 वुड वुड बेटर बेटर है he shall, तो he would, better है है शैल तो ठीक बट देख लेंगे जो भी दिया है शुड दिया है, दिया, है, दिया है आप जा सकते हो डू सो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मतलब द फॉलोइंग द फॉलोइंग मंथ तो यहां पे द फॉलोइंग आना चाहिए सबसे पहले यही देख लेते हैं द फॉलोइंग कहा नहीं दिया है ऑप्शन बी और सी में नेक्स्ट ही कुड हर सब दिया है क्या ही कुड हर फिर है ही और राइट डू सो वो डूसो सही है सब कुछ यहां देख लो he can't can't so ही कांट दिया अरे बाबा कांट नहीं कुड नॉट होगा सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर करने थे सो राज टोल सिमरन दैट ही कुड नॉट मैरी ह नाव का क्या हो जाएगा देन अरे हाँ ये भी तो एक चीज है जो आप कर सकते थे नाव का हमने देन पढ़ा है, है ना गो का बिफोर नाव का देन राइट सो देन बट ही वुड बट ही वुड डू सो द फॉलोइंग मंथ यानी शैल का वुड दिया आपको बिकॉज ऑब्वियसली कॉमन सेंस इज शुड नहीं होगा ना कंपल्सरी हो जाएगा ही शुड मैरी ही वुड मैरी कर लेगा शादी शायद अगले महीने क्लियर ऑल राइट चलो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन ए आई होप क्लियर हो गया है मूव करते हैं 12 says John told us that he had waited at the airport for a long time. abhi ye converted form hai You need to give the direct narration, hai na no? So John told us that he had waited. Had waited matlab ye hai past perfect. abhi past perfect ke do cases ho sakte हैं. यहाँ तो ये past perfect से ही past perfect रहा है. यहाँ फिर ये simple past से past perfect हुआ है. तो दो कोई भी options ढूँढ लो. यहाँ तो past perfect का ढूँढ लो या simple past का ढूँढ लो. Let's see. ये हो गया simple past. ये हो गया आपका प्रेजेंट अगेन सिंपल पास्ट और ये फ्यूचर यानी आपको ए और में सी में से आइडेंटिफाई करना है टेंस पे बेस्ड आपको क्लियर हो गया अभी क्या दिया है दैट ही हैड वेटेड ही मतलब जॉन तो जॉन ने कहा है तो आई होना चाहिए करेक्ट तभी वो सब्जेक्ट के हिसाब से ही में चेंज हुआ होगा तो आई देख लो कहां दिया हुआ है बट यहाँ वेटेड है एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम देखा जल्दी जल्दी में हैव पे ध्यान ही नहीं दिया सिर्फ वेटेड वेटेड देख लिया बट ये है बाद में पढ़ते क्लियर हो जाता दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट तो ये तो डेफिनेटली नहीं है आंसर आपका सिंपल पास से

और आई हो जाएगा ही है ना और यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट यानी मी तो कॉल मी क्लियर अब देख लो कहां पर मी नहीं दिया लास्ट में हर जगह दिया है तो ये पॉइंट चेक वुड कहां नहीं दिया है ऑप्शन बी और सी में हटा दो देन उसके बाद यहां ही दिया है यहां पे भी ही दिया है देन यहां पे ही दिया है और यहां पे भी ही दिया है ऑल राइट right. मतलब अब हमारा सिर्फ पूरा काम ये टेंस पर बेस्ड है ऑप्शन ए कह रहा है संदीप टोल्ड मी दैट इफ हियर्स इफ ही हियर्स एनी अपडेट और इफ ही हर्ड एनी अपडेट ही वुड कॉल मी अभी देखो इफ आई हेयर इफ आई हेयर मतलब अगर मैं सुनता हूं कोई अपडेट तो यहां पर आप किसको टेंस क्या मान रहे हो अगर मुझे कुछ पता चलता है तो राइट right? सो so, इसको आपको ऐसे रखना है दैट इज इफ आई हर्ड क्यों क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है ना तो पास में चेंज कर दो कॉमन सेंस तो है राइट right? क्योंकि हम ऑलरेडी टेंसिस पढ़ चुके हैं सो संदीप टोल्ड मी दैट इफ अपडेट ही वुड और आपका आंसर हो so, right? okay. रोहिणी टोल्ड हर आई वांट टू मीट योर सिस्टर रोहिणी ने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी बहन से मिलना है अभी यहां पर बस सारे चेंजेस देख लेते हैं आई फर्स्ट पर्सन रोहिणी के हिसाब से शी ठीक है योर यहां पर है सेकंड पर्सन हर के हिसाब से क्या हो जाएगा योर सिस्टर तो क्या होगा हर सिस्टर क्यों बाबा क्योंकि मेरे से थोड़ी बोला है हर बोला है क्लियर ऑल राइट चलो सो रोहिणी टोल्ड हर दैट शी और यहां पर हर दैट आई गलत हो गया दैट शी और हर और यहां योर यानी ऑप्शन ए और सी में से अब ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू क्या है सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा सिंपल पास सो

नेक्स्ट है आपका सिक्सटी क्वेश्चन द कस्टमर आज द बैंकर काइंड ऑफ कस्टमर ने बैंकर से पूछा कि आपके पास कौन कौन सी टाइप की पॉलिसीज़ हैं। अभी इधर क्वेश्चन है तो what आना बहुत जरूरी है. कहां है है नहीं गिवन, यहां नहीं गिवन है. तो know, क्या बोलेंगे। से बैंकर बोला है तो आप सिंगुलर ही रखो इसको तो ही शी जो भी दिया हुआ है, है ना सो so यहां देख लेते हैं ही ही और दे तो ये भी गड़बड़ हो गया बचा आपको A क्या आपको ऑप्शन ए और बी अब इसमें क्या डिफरें द कस्टमर आज द बैंक वॉट का कस्टमर आज द बैंकर वट काइंड ऑफ पॉलिसीज ही हैज अरे भाई ये ऑलरेडी है तो पास में हैड ही तो होगा तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर एजी तो यहाँ पर इतना आसानी से आप पहुंच गए अपने राइट right आंसर था क्लियर ऑल राइट चलो नेक्स्ट सेवनटीन क्वेश्चन शवी सर हैव यू एवर प्लेड फॉर योर स्कूल फुटबॉल टीम यशवी ने पूछा कभी भी तुमने अपने स्कूल की फुटबॉल टीम के लिए खेला है क्या सो so, यशवी यहां क्वेश्चन पूछ रही है और ये यस yes, नो no वाला क्वेश्चन है नॉट डब्लू एच तो आज डे इंक्वाड और इफ यहाँ वेदर आ जाएगा अभी बात कर लेते हैं इफ और कहां पे वेदर नहीं दिया सभी में दिया हुआ है ऑल राइट यशवी वॉन्टेड टू नो ओ यहाँ पर आज इंक्वायर्ड चाहिए नहीं एग्जामिनर को टू नो चाहिए तो गलत है क्या बिल्कुल भी नहीं बिकॉज वॉन्टेड पास्ट है तो सही है वॉन्टेड टू नो इफ अभी इधर यू सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट so के हिसाब से यानी मुझसे पूछा है कुछ नहीं दिया है तो मुझसे पूछा है सो so आई और आई हैव है have, have you को क्या करोगे यू हैव राइट सो यू हैव एवर प्लेड ये हैव एवर प्लेड है यानी कि टेंस जो है वो एवर हटा दो हैव प्लेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट है हैड प्लेड हो जाना चाहिए तो so देख लो had played कहां नहीं दिया इसमें हैड नहीं दिया है और यहां पे भी हैड नहीं दिया इजी so if i had ever played for अभी योर सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के हिसाब से माय अब देख लो यहाँ माय है यहाँ योर है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी yes we wanted to know if i had ever played for my school football team clear all right चलो अब आ जाते हैं 18th क्वेश्चन पे और आपको पूरी कोशिश करनी है कि इतने अच्छे से रूल्स आपके दिमाग में बैठ जाए कि आप इसी तरीके से फटाफट फटाफट क्वेश्चंस लगाते जाओ क्लियर ओके okay, चलो लेटेस्ट मूवी अभी डिड क्या है ये yes, no वाला क्वेश्चन है, है ना तो आपको क्या करना है इसको आपको इसको नॉर्मली टाइप में चेंज करना है और ये डिड है तो ये डेफिनेटली क्या हो रहा होगा कुछ सिंपल पास्ट राइट सो हर्ष आज मी इफ अभी यू क्या है सेकेंड पर्सन मुझसे पूछा है तो आय सो इफ आय तो ये यू नहीं होगा और इफ आए और यहां तो इफ है ही नहीं यानी सिर्फ ऑप्शन बी और डी में आपको कर, करना है एनालाइज ठीक है सो हर्ष आस्क्ड मी इफ आई वॉच्ड द लेटेस्ट मूवी हर्ष आस्क्ड मी इफ आई हैड वॉच्ड द लेटेस्ट मूवी बाबा ये सिंपल पास्ट है मैंने आपको बोला सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में तो ऑप्शन बी गलत है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इफ आई हैड वॉच्ड द लेटेस्ट मूवी बिकॉज डिड हम सिंपल पास्ट में तो लेकर आते हैं क्वेश्चन और नेगेटिव बनाने के लिए सो so, डेफिनेटली ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा नेक्स्ट आते हैं नाइनटीन पे चारू सर हाउ मच पॉकेट मनी वंदना गेट चारू को बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो चारू जानना चाहती है वंदना को कितनी पॉकेट मनी मिली सो so, चारू यहां पूछ रही है डब्ल्यू एच क्वेश्चन सो क्या हो जाएगा चारू आस्ट और हाउ आना ही चाहिए हाउ रिमूव नहीं कर सकते तो हाउ यहाँ पे भी हाउ यहां पे भी हाउ हाँ. अच्छे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऑल राइट चारू वॉन्टेड टू नो अभी इधर दिया है वॉन्ट्स टू नो हम पास्ट का ही रखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब तो ये हटा दो ऑप्शन नंबर सी वॉन्टेड टू नो हाउ मच पॉकेट मनी डज वंदना गेट सो हाउ मच पॉकेट मनी प्रेजेंट किस में चल जाएगा पास्ट में तो यहां डेफिनेटली कुछ ना कुछ गॉट वॉट होना चाहिए राइट right? अब यहां पर हम देख लेते हैं कहाँ कौन से ऑप्शन दिए हाउ मच पॉकेट मनी वंदना गॉट हाउ मच पॉकेट मनी वंदना हैड गॉट क्या ये सिंपल पास्ट है नहीं तो आप हैड गॉट क्यों ला रहे हो देन हाउ मच पॉकेट मनी हाउ मनी पॉकेट मनी नहीं होता हाउ मच होता है नहीं? आपका आंसर सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए है क्लियर सो इस तरीके से बस आपको देख लेना भाई यहाँ ड हुआ है सिंपल है तो डेफिनेटली पास्ट की बात करेगा सो दिस इज गोइंग टू बी गॉट वाला कुछ तो देख लो कहां पर दिया हुआ है आंसर हो गया चार वॉन्टी टू नो हाउ मच पॉकेट मनी वंदना गॉड द नेक्स्ट आते हैं ट्वेंटी अरुणीता सर यू मस्ट डू द शॉपिंग अरुणीता ने कहा तुम्हें शॉपिंग करनी चाहिए अरुणीता ने मुझे कुछ बोला है करने के लिए है मी तो आय मस्ट so, like तो को किस पे चेंज करते कुछ याद आ रहा है मस्ट का जो एक बॉक्स पढ़ा था हमने हैड टू है ना तो यहाँ जाएंगे क्लियर सो आई है माइट ड टू नहीं आई हैड टू आई हैड टू ऑल राइट तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कुछ आइडेंटिफाई करना है अरुणीता टोल मी दैट आई हैड टू डू द शॉपिंग इफ आई है कुछ है ही नहीं तो इफ कहां से आ गया सो so, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी ठीक है सो अरुणीता टोल मी दैट आई मस्ट का हो गया है शॉपिंग डू द शॉपिंग क्योंकि मॉडल वर्क के बाद थोड़ी बाकी चेंजेस करते हो आप सिर्फ मॉडल वर्क चेंज कर देते हो क्लियर सो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी तो ऐसा होता है जहां जाते हो कि मस्ट को क्या माइट में चेंज करते हैं नहीं बाबा मस्ट को माइट नहीं हम मे और माइट might... चलो ठीक है ध्यान में ले आओ रूल्स को मस्ट हैड टू बस तो ये चीज आपके क्लियर हो जाती है अगर मस्ट हैड टू तो आप यहां पे गलती नहीं करोगे डन ऑल राइट चलो नेक्स्ट ट्वेंटी सेड आई वर्क एज अ वॉचमैन बिफोर बिकमिंग अ क्लर्क उसने कहा मैं वॉचमैन की जॉब कर रहा था क्लर्क बनने के पहले सो ही दैट ही क्योंकि आई क्या है फर्स्ट पर्सन क्यों ही के हिसाब से ही हो जाएगा वर्कड वी टू हैड तो वर्कड अभी देख लो ही हैड कहा नहीं दिया है यहां नहीं दिया ही हैड दिया है ही हैज वर्क अभी दो ऑप्शन बच रहे हैं

तीनों में दिया हुआ है है ना और माय मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट मतलब हर डॉली के लिए हर हो जाएगा तो यहां योर नहीं होगा माय नहीं होगा हर होगा तो ऑप्शन नंबर डी सही है सो डॉली डॉलीट दैट शी हैड हर्ट हर लेग क्लियर चलो नेक्स्ट आते हैं ट्वेंटी थर्ड पे माय ब्रदर सेड इट वाज रेनिंग ऑल डे बहुत आसान क्वेश्चन है इट वाज रेनिंग इज द प्रेजेंट किसमें से कंटिन्यूसम सेफेक्ट कंटिन्यूस राइट सो वाज रेनिंग हैड बीन रेनिंग सबसे पहले तो वही देख लो हैड बीन रेनिंग कहाँ नहीं दिया है अब दो ऑप्शन हैं अब लेट्स रीड दैन अब माई ब्रादर टोल्ड मी देर देर हैर दिया है कहीं पे नहीं तो हटा दो ऑप्शन नंबर बी यानी आंसर है ऑप्शन सी माई ब्रदर टोल्ड मी दैट इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे

कंटिन्यूअस तो पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज आएगा तो हैड बीन सो शी हैड बीन वर्किंग कहा नहीं दिया हुआ है सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है सो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वर्किंग फॉर द सेम कंपनी सिंस टू थाउजेंड एट इट्स दैट इजी ऑल राइट ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जूस अपने घर पे जूस वगैरह का शायद है है उसका तो तो जूस बनाती है घर पे तो कि उसको ट्राई करना एक बार so, नुपुर ने क्या कहा है यू मस्ट ट्राई यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से दैट इज आई मस्ट क्या है had to. तो आई है I had to. ठीक है तो ऑप्शन बी और डी में नहीं दिया है आई है फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से नुपुर तो हर तो अभी हर कहां नहीं दिया है भाई ऑप्शन सी में नहीं दिया है सो so आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए तो नुपुर ने कहा दैट आई हैड टू ट्राई हर हैमेड जूस नेक्स्ट है ट्वेंटी एट देवेश सैद मे आई कॉल यू बाय योर पेट नेम देवेश परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें अपना जो घर का नाम होता है ना अलग अलग नाम रखते हैं सब चुन्नू मुन्नू राजू बाबू तो ये सारे नाम से वो परमिशन ले रहा है कि मैं तुम्हें बुला सकता हूँ कि नहीं सो so, देवेश पूछ रहे हैं सो दिस इज गोइंग टू बी आज इंक्वायर अब ये या ना वाला क्वेश्चन है है ना तो यहाँ इफ और वेदर आ जाएगा देख लो भैया इफ भी दिया हुआ है आज भी दिया है तो यहाँ तक तो सब बढ़िया चल रहा है सब ही भी हो गया तो चेक चेक नहीं करना अभी मे है है ना तो मे का क्या कर दोगे माइट कर दोगे राइट सो so, देवेश आज इफ ही माइट कॉल यू क्या है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी योर मतलब माई तो मी माई सिर्फ एक में दिया है ऑप्शन नंबर डी इजी देवेश आज इफ ही माइट कॉल मी बाय माई पेटनी ईजी ऑलराइट right. चलो अब जाते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे आई सेड टू हर यू हैड बेटर स्पीक टू द एचआर यू हैड बेटर हैड बेटर एक साथ यूज होता है ठीक है कि क्या तुम्हें करना चाहिए वो बताने के लिए सो हैड बेटर एक साथ यूज होता है सो आई सेड टू हर तो मैंने उसको बोला भाई यू यू क्या है सेकंड पर्सन इसके हिसाब से तो शी हर के हिसाब से शी में चेंज जाएगा और इसके अलावा और कुछ नहीं है सीधे यू

Got it? All right. Last and the final question is, Gauri said to her, "Don't play with crackers." Crackers मतलब जो फोड़ते हो ना आप दिवाली पे उन्हें crackers कहाँ जाता है तो इसको did not करेंगे कि नहीं yes, अब देख लो did not कहाँ? नहीं दिया है अरे कहीं पे भी नहीं दिया है इधर ही दिया है और यहाँ do not दिया हुआ है और यहाँ oh अभी कहीं पे भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसका मतलब हम अगेन गलती कर रहे हैं क्या भाई देख तो लो ये इम्पेरेटिव तो नहीं है हाँ ये इम्पेरेटिव है तो यहाँ हम क्या करते हैं हम नॉट टू टू नॉट वाली गलती नहीं करते हम सीधे ध्यान में रखते हैं कि हम हमेशा टू को वर्ब के पहले रखते हैं बट जब नॉट आ जाता है तो नॉट पहले आता है फिर टू आता है पड़ा है राइट तो देख लो टू नॉट कहाँ दिया हुआ है यहां तो ये यह गलत है डू नॉट तो आ नहीं सकता और डिड नॉट और नॉट टू में क्या सही है ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर लिया, तो बस वो क्लियर कर लो एक बार कौन से टाइप का सेंटेंस है सो so, गौरी टोल्ड हर नॉट टू प्ले विथ क्रैकर्स इजी सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर

करोगे आपके सामने ये जो पेज है वो डिस्प्ले हो जाता है वेबसाइट का एंड यू सिलेक्ट जो भी ऑप्शन है सपोज आप इंग्लिश मीडियम का कुछ पढ़ना चाहते हो क्लिक ऑन इट अगर आप हिंदी मीडियम से कुछ रिलेटेड पढ़ना चाहते हो क्लिक ऑन इट एन टी जो पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन इट सपोज यू क्लिक ऑन ओलंपियाड एंड यू गेट द लिस्ट ऑफ क्लिक कर दो सपोज सिलेबस ऑफ यू और देखो वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाता है सो so, इतना आसान होता है वीडियो तक पहुंचना और सारे कोर्सेस को एक्सप्लोर करना फ्रॉम माइग्रिब्रेन वेबसाइट सो प्लीज डू चेक इट आउट क्लियर ऑन राइट ऑल्सो इफ यू डोंट रिमेंबर जैसे मैंने बिगनिंग में बोला तो आपको वापस याद दिला देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेंस हिंदी जो चैनल है इस पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सारे कोर्सेज सारे वीडियोज़ जो हैं वो प्रॉपरली टाइम टू तो टाइम बेस्ट वे में अपलोड किए जा रहे हैं सो दैट दे डोंट फेस एनी प्रॉब्लम्स सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप शेयर करो विथ एज मेनी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एज यू कैन कि भई यू कैन स्टडी फ्रॉम दिस चैनल दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट क्लियर चलो साथ साथ ही फटाफट से टाइम टेबल को फिर से देख लेते हैं कि एवरी मंडे ट्यूसडे वेन्सडे आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट होते हैं ठीक सुबह बजे से यू इंग्लिश ओलंपियाड के वीडियोस सुबह दस बजे इन्हीं दिनों पे एक बजे आपको मिल जाता है मैथमेटिक्स ओलंपियाड का वीडियो चार बजे यू गेट नेशनल साइंस ओलंपियाड एंड सात बजे यू गेट इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड और वीडियो सो दिस इज हाउ यू हैव द स्कड्यूल इन फ्रंट ऑफ यू मेक श्योर यू सेट द रिमाइंडर्स क्लियर ऑल राइट सो विद दिस वी आर डन एंड वी हैव कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ इंटरमीडिएट क्वेश्चन जो कि बेस्ड थे ऑन द टॉपिक रिपोर्ट स्पीच आई होप यू अंडरस्टूड इच एंड एवरी क्वेश्चन आई होप यू आर एबल टू रिवाइज ईच एंड एवरी रूल दैट वी नीड टू फॉलो वाइल्ड चेंजिंग द डायरेक्ट नरेशन टू इन डायरेक्ट नरेशन एंड या इस तरीके से हम आज के वीडियो के एंड में तो आ चुके हैं बट वी आर वेरी गोइंग यू नो वेरी सून गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक दैन टेकन ऑफ यू सेल्फ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय